स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लोगों को देखकर मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। उनको तिरंगे रूपी पतंग उड़ाते देखकर जी भर हंसने का मन करता है या फिर जी भर रो लेने का। कैसी बदनसीब है मेरे देश की राजधानी। जिंदगी में हर संभव रफ्तार से तेज दौड़ती भागती दिल्ली, वही दिल्ली जो मेरे देश की राजधानी है, वही दिल्ली जहां के लोग विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं, या खाब जैसी मानसिकताओं के गुलाम हैं, या हिंदू मुसलमान में भेद करना जानते हैं, या फिर देश के नेताओं जैसे शरीफ लोगों की हर सफल योजना के लाभार्थी हैं। विश्वास मानिए, दिल्ली के लोगों को देखकर आपका भी मन होगा जी भर हंसने का या फिर जी भर रो लेने का। मैं असमंजस में पड़ जाता हूं कि तमाम दिशाओं से अपने लिए दरवाजे बंद रखने वाले लोगों की खुशियों का शहर बन गई है दिल्ली। तिरंगे रूपी पतंग की वो डोर जिसे वो अपने सिरे से पतंग को हवा में अनाथ, बेसहारा और बेलगाम छोड़कर इतने खुश होते हैं, इतने खुश कि वो भूल जाते हैं अपने सारे बंधन, सारे विचार, सारी मानसिकताएं, और तभी हम जय हिंद से ज्यादा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सुन पाते हैं। इन दिनों भारत की स्वतंत्रता भी तो ग्लोबल हो गई है, मगर उस दिन दिल्ली क्या करेगी जब खत्म हो जाएंगे कागज या खाब या हिंदू मुसलमान। बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली कभी अपने आप को उस पतंग की तरह उड़ाकर छोड़ेगी, उन्मुक्त, स्वच्छंद। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है, शायद नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी उछाल पाने के बाद दिल्ली डरती है कि वो औंधे मुंह गिर पड़ेगी और तब भारत आजाद नहीं रह पाएगा। शुक्रिया।